हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि कोई बंदा भाग रहा है, उसके साइड में कोई कार जा रही है, कोई पेड़ रुका हुआ है, या उसके सामने कोई बर्ड उड़ रहा है। हर चीज को हम रिलेटिवली कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव मोशन। तो देखो यार, रिलेटिव मोशन में क्या है, जैसे मान लो क्या होता क्या है रिलेटिव मोशन। तो पहले तो हमें ये समझना कि रिलेटिव मोशन है क्या। तो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो फ्रेम है, ये कोई ए है जो कि हमारा वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अगला एक और पार्टिकल है जो किधर जा रहा है कहीं पर भी, इसका जो वेलोसिटी है वी टू, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, और दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो अगर हम बात करेंगे बेटा, यहां पर हमारे दो है, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पे हमने एक को अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो दूसरे को ऑब्जर्वर लेंगे। तो सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ए को लें और ऑब्जर्वर यहाँ पर हम बी को लें। ठीक है, तो देखो यार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए को लेते हैं और ऑब्जर्वर किसको लेते हैं, बी को। तो अब देखो यार, अगर मुझे बात करना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बी कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे बोलेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी of A, किसको, क्योंकि A को क्या ले रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू B। अगर ये निकालना है तो B यहां पे हमारा ऑब्जर्वर हो गया। अब देखो ऑब्जर्वर हो गया तो कैसे करेंगे बेटा, हमें सीधी सी बात है, अगर मान लो ऐसा लिखेंगे हम V A B, किसकी, A की वेलोसिटी ले रहे हैं B, तो यहां पे A तो ऑब्जेक्ट हो गया, B यहां पे क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को यहां पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आसान सा है। ठीक है, वैसे अगर इसका उल्टा करें हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बी को लें और ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ पर लें ए को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल रहे किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी बी माइनस वी ए। अच्छा, वी बी कितना दे रखा है हमारा, वी टू, तो इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है, हमें देखो अगर बात करेगा, अगर हम अपने आप को यहाँ पे ऑब्जर्वर मानते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बस इतना सा ही हमारा पूरा किस्सा है। ठीक है, अब देखो हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। अब देखिए जरा किस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा एक लंबी सी सड़क है, इस सड़क किनारे पे यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक बर्ड यहां पे उड़ रहा है इस तरह से, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, ये मान लो इस तरह से उड़ रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है, अगर यहां पे सबसे पहले सपोज कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम यहां पे आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस में यहां पे लेते हैं जे कैप। सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस में आई कैप एंड वाई एक्सिस में जे कैप। अब देखो किस तरह से करना है कि यार यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड। क्या मान लिया अपन ने, 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो एंगल बना के उड़ रहा है ये है हमारा 45 डिग्री। कितना हो गया बेटा ये, 45 डिग्री। अब देखो यार यहां से क्या होता है, हमारे दो कंपोनेंट आते हैं इसके बर्ड के, 10 cos 45 डिग्री, और ऐसे इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 10 sin 45 डिग्री। sin 45 की डिग्री भी, सॉरी sin 45 की डिग्री क्या होती है अपना 1/√2 होता है, या फिर काम करते हैं अपन इससे इसको ले लेते हैं 37 डिग्री, ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, आसानी से यहाँ से वैल्यू में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। तो चलो 37 डिग्री लेते हैं। तो यार ये 37 से उड़ रहा है, तो ये 10 cos 37 और ये क्या हो गया बेटा, 10 sin 37, आसान है। तो चलिए 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है बेटा, 4/5। तो अच्छा 4/5 लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 4/5 कितना होता है, 8, ये होता है 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 10 मल्टीप्लाई 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x एक्सिस से माइनस x एक्सिस में है,
तो इसलिए देखो, अगर ये मैं पॉजिटिव एक्स मान रहा हूं तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, तो ये नेगेटिव है। तो वी भी देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा लिया, माइनस एट आई के। पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो ये सिक्स जे के। आसान है क्या? एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, इस वजह से इसको हमने क्या लिया है, माइनस। अच्छा, ट्री, ट्री ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बेटा ट्री तो ना तो रेस्ट, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर जा नहीं रहा हो, तो रेस्ट में, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो आई के प्लस जीरो जे के। ऐसी यहां पर दो ऑब्जेक्ट ले लिया अपन, यहां पे एक बंदा है जो कि दौड़ रहा है इधर, ठीक है, ये भाग रहा है इधर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर तो उड़ नहीं रहा है, सीधी एक्स एक्सिस में जा रहा है। अच्छा, किस एक्सिस में भाग रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप मेन जो ले लेंगे अपन, क्या लेंगे बेटा, 5i के, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर तो जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे 0j के। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द मैन, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द मैन, तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो कैसे निकालते हैं अपन, बताओ जरा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए तो कितना हो गया बेटा, VBM इज इक्वल टू, B कितना दे रखा है बताओ जरा, कहाँ गया, J वाला, 8 minus 8i k plus 6j k minus, मैन की वेलोसिटी क्या है बेटा, 5i k plus 0j k, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 5 और माइनस 8 कितना हो जाएगा बताओ जरा, -13i k + 6j k, क्योंकि यहाँ पे ये तो जीरो है, तो क्या हो जाएगा, -13i k + 6j k, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ऐसे ही अगर आपको बेटा क्या निकालना है, चलिए आप, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू द मैन ये निकालना है। अब यहाँ पे एक बार बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ट्री, ऑब्जर्वर कौन है, मैन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ट्री का क्या दे रखा है, 0i k + 0j k, अरे वो रेस्ट में है तो क्या हो गया, दोनों जीरो हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 5i k + 0j k, ठीक है। तो चलिए भैया, 0 0 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5i k, तो ये जो हो जाएगा हमारा फाइनली वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू द मैन। तो मेरे ख्याल से ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक का समझ में आ गया बेटा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने को समझना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से अपने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमेटिक आपको सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा यार, यहां पे एक बात बताओ, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कहीं अपनी बाइक से जा रहे हैं तो आपको जो सामने से गाड़ी आती हुई जो नजर आती है वो आपको ज्यादा स्पीड से दिखती है, ठीक है, और जो अगर आपके साथ में कोई आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपको कम स्पीड से दिखता है, इसका रीजन क्या है, देखो जरा। जैसे मान लो ये ए है और ये वाला है बी, ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अच्छा मुझे अगर बोला जाए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, कि अगर ये x से है तो x एक्सिस होगा, तो i कैप चाहे लगा दे इसमें डायरेक्शन में, क्या फर्क पड़ता है, i कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में। चलिए वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू द b सेम डायरेक्शन में, चलिए कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, a, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जर्वर कौन है हमारा, बी यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए 60i k माइनस वेलोसिटी ऑफ 40i k, तो कितना हो गया अपना 20i k। आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से 40 से जा रहा है, आपके सामने कोई 60 से निकल के जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में हमने उसकी डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी कम दिखती है हमें, तो एक्चुअल में यहाँ पे ये बी वाले को जो ऑब्जर्वर है इसको 40 किलोमीटर पर आवर की जगह
सॉरी 40 तो खुद की है और 60 कहां किसकी है, ए की। तो इसको कितनी दिखेगी, 60 नहीं दिखेगी, कितनी दिखेगी, 20 आएगी। ठीक है, दूसरा केस बी, यहां पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ए जो है अब यहां से फ्रंट से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए इसका क्या हो गया, अगर मैं इसको मानूं तो इसको मैं 40 आई कैप लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों बेटा? एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन क्या हो गई मेरे लिए नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, -60 आई कैप। आ रही बात समझ में? चलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बी क्या बोलेंगे बताओ जरा। वेलोसिटी ऑफ ए, ऑब्जेक्ट में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, सीधी सी बात है। चलिए बी ए कितना हो गया बेटा, -60 आई कैप। ये कितना हो गया, माइनस तो है ही सही, बी भी दे रखा है 40 आई कैप, तो ये -100 आई कैप। तो इसको इसकी जो डायरेक्शन है ए वाले को, मतलब ए वाले की जो वेलोसिटी, इसको तो किधर दिखेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि माइनस दे रखा है, कितनी दिखेगी 100। तो हम देखा होगा कि एकदम से अगर सामने से गाड़ी आती है तो वो ज्यादा स्पीड से दिखती है, और सेम वाली कैसे दिखती है, कम स्पीड से। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, या हम किसी भी टाइप की वेलोसिटी या किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से बेटा रिलेटिव मोशन का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या करना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करना है, बस सीधी सी बात। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 100 meters। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पे हम बात करते हैं इसको 50 meters per second से। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रेन है सेम, ये भी 100 meters लेंथ की है और ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये जा रही है हमारी, इसको हम बोल देते हैं 40 meters per second से। ये ट्रेन ए है और ये वाली ट्रेन बी है। तो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते ट्रेन में, तो आपको निकालना है फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए, मतलब आपको बी ए ट्रेन को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखो आप जरा कैसे करना है, जैसे हमारे पास दो ट्रेन है बेटा, ये रेड वाली और ये ब्लू वाली, तो रेड वाली 50 से जा रही है और ये वाली जो जा रही है 40 से। पहले वैसे तो ये इसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर हमने क्या करना है इसको, चलो अपन थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये वाले को 40 ले लेते हैं और ये वाले को 50 ले लेते हैं, क्योंकि जो पीछे वाली की जो स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए यार, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाएगी, सीधी सी बात है। अब देखो ये रेड वाली ट्रेन है और ये ब्लू वाली, ये रेड वाली 40 से जा रही है, ब्लू वाली 50 जा रही है, तो क्या करेगी, धीरे धीरे ये ब्लू वाली इसके करीब आती जाएगी और एक टाइम आने के बाद ये ब्लू वाली इसको क्या करेगी, क्रॉस करके चले जाएगी। सीधी सी बात है यार, आपको अगर किसी गाड़ी को क्रॉस करना है तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा स्पीड से भगाना पड़ेगा, तभी आप उसको क्रॉस करके उससे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भैया। देखो जरा पहली बात कि जब ये पहले ये ट्रेन गई, तो पहले ट्रेन जब इसको जस्ट क्रॉस करने वाली, तो कहां पर रहेगी, इसके टेल के पास, टेल के पास रहेगी और यहां से इसको क्रॉस करके चले जाएगी। तो पहला जो सीन है वो कैसा बनेगा, ये ए है और पहले बी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे है, थोड़े देर के बाद ये जो बी आगे निकल जाएगी और ए पीछे रह जाएगी, इसी को क्या क्रॉस करना बोलते हैं, टेल से एंटर किया और हेड से क्रॉस कर दी। अच्छा, इसको कितनी डिस्टेंस कवर करना है बेटा बताओ जरा, अगर बात करें अपन रिलेटिवली तो इसको कितना करना, 100 तो ये वाली ट्रेन की, मतलब 100 meters तो ये वाली ट्रेन की, साथ में 100 meters खुद की भी लेंथ कवर करना है क्या इसको, तो अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना चलना है इसको, कितना चलना है बताओ जरा, 100 + 100 कितने मीटर, 200 meters। ठीक है, अच्छा इनकी अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, सेम डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जर्वर की, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को अपन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे चाहे स्पीड निकालना अपने को किसी भी एक में से, 40 - 50 10 आया, जैसे -10 आया, लेकिन उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो किसी क्वांटिटी होती है हमेशा पॉजिटिव, तो रिलेटिवली कितना डिफरेंस है इसमें, 5 meters, सो 10 meters per second का, चाहे तो आप ले सकते हैं, ये रिलेटिव जो है 40 - 50 कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा,
माइनस 10 मीटर पर सेकंड, और माइनस 10 तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम सारे बच्चों ने पढ़ा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना करना है इसको, मतलब उसके आगे वाली ट्रेन का तो करना है, साथ में खुद की ट्रेन की लेंथ को भी इसने कवर करना है। तो 100 प्लस 100 200, किस स्पीड, रिलेटिवली स्पीड कितनी है इसकी, कितना है अपना 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना टाइम इक्वल टू आंसर आ जाएगा अपना 20 सेकंड्स। तो ठीक है, तो क्या करोगे अब, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए रिलेटिविटी का तो क्या करोगे बेटा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आए तो आपको ऑब्जेक्ट में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी ले लेना है, और साथ में क्या करना है फिर टोटल डिस्टेंस में टोटल स्पीड जो है रिलेटिव से डिवाइड कर देना है, तो हमारे यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो ये लेक्चर था रिलेटिव वेलोसिटी से, और मेरा पूरा कहने का मतलब इतना ही है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर will be equal to the velocity of object minus velocity of observer। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।